रतलाम जिले के थाना क्षेत्र अंतर्गत मुखबिर की सूचना पर ताल थाना पुलिस द्वारा एसपी गौरव तिवारी के निर्देश और आलोट एसडीओपी संतोष कुमार के मार्गदर्शन में 49 पेटी अवैध देसी शराब के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि अन्य तीन आरोपी मौके से फरार हो गए। गिरफ्तार दो आरोपियों में से एक आरोपी नाबालिग महज 15 वर्ष का ही है। पांचों आरोपी ताल थाना के पास मकानपुरा गांव के बताए जा रहे हैं। पांचों आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम 34/2 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया है। रतलाम से संवाददाता की रिपोर्ट। 5/8 को शंकर सवारी के दौरान सूचना मिली, ये मकनपुर गांव है, वहाँ पे कुछ व्यक्ति शराब की पेटियां लेके खड़े हैं। तो तत्काल मुखबिर की सूचना पे विश्वास करके मौके पे गए। वहाँ पे जो 5-6 थे नाहरू और एक बाल अपचारी, ये दोनों को तत्काल वहाँ से राउंड ऑफ किए और पप्पू उस्ताद उस्मान और गब्बर, ये तीनों वहाँ से फरार। कितनी पेटी शराब? ये देसी प्लेन 40 करीबन है और जो लाल मदिरा आती है वो 9 पेटी। कितने आरोपी गिरफ्तार हुए? इसमें अभी दो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, एक बाल उपचारी है। तीन फरार? हाँ तीन। जो पकड़ा ये शराब है, शराब है, उसकी कुल कीमत कितनी है? कुल कीमत करीबन 1,70,000। क्या भविष्य में आपकी ओर से लगातार अवैध शराब के मामले में इस पर कार्रवाई लागू रहेगी? लगातार कार्रवाई करते रहेंगे। मैडम, जो धारदार हथियार से हमला हुआ था उसके विषय में भी जानकारी दी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।